नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रंजन कुमार मलिक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। नमस्कार। सबसे पहले सर, हमारा एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन ये होता है, हर किसी की जर्नी जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है इस आर्ट फील्ड के प्रति, वह कोई भी फील्ड हो, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई वो हम जानना चाहेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं पैदा हुआ हूँ उड़ीसा में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और बट पल्ला बड़ा वहीं हूँ। मेरा बैचलर डिग्री वहीं से, उत्कल यूनिवर्सिटी से हुआ है, बीके कॉलेज ऑफ आर्ट, जो कि वहाँ एक, आपको पता होगा ओडिशा एक कला संस्कृति और शिक्षा का एक मिट्टी है, तो उसमें बहुत सारे कला संस्कृति हब है, तो उसमें सारे बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ से पैदा हुए हैं। डॉक्टर दीनानाथ पाठी हो, जतीन दास हो, प्रफुल्ल महंती हो, जगन्नाथ पांडा हो, अद्वैत गणनायक हो, प्रतुल दास हो, तपन दास हो, बहुत सारे विद्वान कला ऐतिहासिक हो, और नृत्य क्षेत्र में, परफॉर्मिंग आर्ट में, विजुअल आर्ट में, इस सारे लोग का वो क्षेत्र है। तो मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ है, मेरा जो खेलना उड़ना उठना बैठना कला साहित्य संस्कृति लोगों के हुआ है। मैं जनरली बच्चे जैसे ना ज्यादा खेल नहीं पाया, मौका नहीं मिला मेरे को खेलने में या घूमने में। जो पढ़ाई लिखाई हुआ है, सारे चीज हुआ है, तो ये सारे चीज कला संस्कृति साहित्य उसी की इर्द गिर्द में हुआ है। जनरली लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या ये लोग क्या करते हैं कि खेलना होता है, अपनी सहपाठी के साथ जाते हैं, बट मेरा क्या होता है, इवनिंग को मेरे को ले जाते थे थिएटर दिखाने, मेरे को ले जाते थे खंडगिरी में वो मंकी का नेचर दिखाने, कभी धौलीगिरी ले जाते थे। तो ये सारे लोग ना, आज मैं उसको अभी जो मैं बोलता हूँ ना, मेरा सिरन हो जाता है शरीर में, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि शायद मेरा बहुत सारे जो मेरा एक जन्म जितना मैंने सीखा हूँ देखा हूँ, जो मेरे अंदर है एक जन्म में, उसको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। समटाइम्स मैं चिंतित हो जाता हूँ, मैं एक जिंदगी मेरा कम ना पड़ जाए इसको एक्सप्लोर करने में। जतीन दास, गुरु जतीन दास के पास मैंने पला बड़ा हूँ, वहीं रहा हूँ, और आज बात हो रहा था जगन्नाथ पांडा भैया, वो सारे जब भी विदेश वो आते थे, जगन्नाथ पांडा भैया विदेश में कई एक्सपेरिमेंट करके, काम करके, एग्जीबिशन करके, पहला सुबह का वो उठते ही देखे कि बाहर में ही साइकिल लेके खड़ा होता था उनका वाणी विहार का रेस्टोरेंसी में। तो मैं ऐसे ही तपन दास कहीं कुछ काम कर लिए, या अद्वितीय गणनायक जब बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन करते थे, तो वो सारे चीज मेरा होता था, मॉर्निंग सुबह होता था, लेट में उनकी घर में कोई गुरु का सेवा करना, वो सारे चीज गुरु शिष्य। मेरा जो पढ़ाई लिखाई, तो मैंने कंटेम्पररी ट्रेंड में पढ़ाई, बैचलर डिग्री 5 साल का किया हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी में, बीके कॉलेज ऑफ आर्ट में, बट भुवनेश्वर में वो स्थापित है। बट मेरा जो ज्यादातर हुआ है वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा के तहत में हुआ है, गुरु का सेवा करना। और जतीन दा एक बार मेरे को कहते कि आर्ट करना या सुंदर आर्ट बनाना या एक इट्स ए क्राफ्टमैनशिप, एक तरीका टेक्निक है, बट आर्टिस्ट बनने के लिए ना आर्ट को समझना बहुत बड़ी बात है। तो वो जो आर्ट को समझने का जो जर्नी है ना, तो वो मेरे को ज्यादा दिन टाइम लग गया, और वो जर्नी में आज तक मैं लगा हुआ हूँ। और तो देन इसके बाद मैंने दिल्ली आया, न्यू दिल्ली में आके मैंने दोबारा जतीन दा का उनका सेंटर में मैंने दोबारा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया, काम किया, देन मास्टर डिग्री किया मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में पेंटिंग स्पेशलाइजेशन में, देन मैंने एमफिल किया हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, और इसके बाद मैंने सोचा कि और कुछ रह गया, देन मैं महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट में विश्वविद्यालय, वहां मैंने पीएचडी किया, वहां 8 साल लग गया मेरे को। इसके बाद मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी में रिसेंटली मेरा पोस्ट डॉक चल रहा है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो ये मेरा जो एजुकेशन है यहाँ चला, इसके बीच में मैं अलग अलग बिहार में भी काफी जगह जाके मैंने काम किया, बंगाल में शांति निकेतन मेरा फेवरेट जगह होता था, एकांत में जाके मैं बैठ जाता था, कला भवन के अंदर तो अलाउ नहीं होता था, बाहर बैठ जाता था,
चाय में भोपाल में जाके बैठ जाता था, भारत भवन में एकांत में, कभी आगरा में ताजमहल की, फतेहपुर सीकरी, तो ये सर ओडिशा में कभी जगह, या दिल्ली में, हरियाणा में, और है ना, तो मैं जहां जहां जाता था तो एकांत में टाइम ले, तो मेरा जो शिक्षा है ये भारत की अलग प्रांतर की, अलग अलग देश की कल्चर के साथ मेरा पला बड़ा हुआ है, वहीं से मैंने एजुकेशन सारे चीज में ली। तो सर आपका जो पीएचडी का क्या सब्जेक्ट था? मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट था वो जैन आर्ट ऑफ आगरा रीजन था, तो उसमें मैंने जैन आर्ट का जो पेंटिंग, स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी और सिंबल्स, उस बारे में मैंने काम किया हूँ, और मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, बड़ा सब्जेक्ट था, सारे हैरान थे रंजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो लेकिन मैंने टाइम ली, उसको कर लिया और सक्सेसफुली हुआ। बिल्कुल, कोई चैलेंज मिलता है तो उसका पूरा करने में बड़ा मजा आता है। मैंने आज तक कभी चैलेंज उसको समझा नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये शायद मेरे लिए टास्क है, मतलब काम दिया गया है और मेरे को डेफिनेटली इसको करना है, मैं उसको चैलेंज सोचूंगा तो मेरे को कष्ट होगा, तो और मैं सोचता हूँ भगवान इतने सृष्टि क्यों किए हैं, क्रिएटर, तो वो सारे जब उनको जब कष्ट नहीं होता, सूरज हर रोज आते हैं, उदय होते हैं, अस्त होके चले जाते हैं, दोबारा टाइम मिले आ जाते हैं, चंद्र मून भी तो उनका काम करते हैं, हवा पानी जो नेचर जो ऐसे सारे चीज करता है, तो इंसान को भी तो ऐसा करना चाहिए, तो इसीलिए ना मेरे जिंदगी में दो चीज नहीं है, कभी मैं थकता नहीं हूँ या मैं कभी किसी से बोर हो गया, ये मैंने कभी नहीं कहा आज तक। बिल्कुल, कि बोर हो गया, मैं थक गया हूँ या मैं नहीं कर सकता, कोशिश जारी रहता है। ये चीजें तो मैं भी कभी अपने इसमें अलाउ नहीं करता, रात दिन हो जब भी बोले हैं इस चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए तैयार रहना, ये हम लोगों का एक मोटो होता है। अच्छा, दूसरा जैसे कॉलेज टाइम में जब आपने कॉलेज कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब ऐसे कोई गुरु या शिक्षक जिन्होंने आपको कॉलेज में प्रेरित किया हो, जिनका नाम आप लेना चाहें? बहुत लोग देखो जो काफी तो विद्वान लोगों का नहीं है, जैसे मेरे शिव पानीग्राही टीचर थे, प्रोफेसर भीमकेश महंती, आज वो नहीं है गुरुजी, शिव पानीग्राही गुरुजी मेरे पास आज नहीं है, कहीं ऊपर मेरे को भी ब्लेसिंग कर रहे होंगे। मानस रंजन जैना सर है, मीनू कतन पटनायक है, बहुत सारे, डीएन राव सर जो प्रिंट मेकिंग में, वो भी आज नहीं है हमारे साथ, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग है। लला टेंदुरथ जो कि एक फिल्म मेकर है, बेसिकली इंजीनियर है, लला टेंदुरथ एक फिल्म मेकर है, फिल्म नेशनल अवार्डी है, तो उनके पास मेरा ज्यादा टाइम बीता है, उनको भी मेरा एक टाइप के पेरेंट्स थे भुवनेश्वर में, क्लास के बाद मैं वहीं उनके घर में रहना खाना और वहां सारे मैंने सीखा, वो मेरे को हिस्ट्री से शुरू करके, वो ज्यादातर मेरे को इंसान कैसे बनना है, आर्टिस्ट कैसे बनना है, वो सारे मेरा जैसे ना पहाड़ को आदत डालते हैं तो है ना, तो इस टाइप का सारे चीज को मेरे को आदत डालते थे, और जब भी जतीन दा आते थे, उनका जेडी सेंटर ऑफ आर्ट भुवनेश्वर में दिल्ली में, तो मेरे को वहीं ले जाते थे, नंदिता दास, जतीन दास, ये लोग मैं देखता था कैसे वो काम करते हैं, परफेक्शन क्या होता है, वही मैंने जतीन दास से सीखा, नेचर क्या होता है वही मैंने सीखा उनके पास रह के, तो लला टेंदुरथ और जतीन दास और प्रोफेसर भीमकेश महंती, शिव पानीग्राही, मानस जैना और रवि नारायण रथ जी है, और इस टाइप का बहुत गुरु, और इसके साथ मेरा सीनियर का बहुत, आपको पता होगा आपके टाइम में भी वही था, सीनियर का बहुत प्रभाव रहा मेरे ऊपर, बहुत प्रभाव रहा, वो लोग ने डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी है, अद्वितीय गणनायक है, जगन्नाथ पंडा, तपन दास, ये डॉक्टर अनूप चांद है ना, तो मैं देखता था कि अनूप भैया जब भी ओडिशा आते थे तब खैरागढ़ में पढ़ते थे, तो किताब हाथ में रहता था आर्ट का, बड़े बड़े मोटे मोटे किताब, मैं कहता था कि आर्टिस्ट को भी पढ़ना होता है, तो वही सारे चीज देन मेरे को इंस्पायर किया कि उनको मैंने कभी बताया नहीं आज तक, तो ये खुलासा कर, मैं उनसे सीखा कि आर्टिस्ट को भी पढ़ना है, देन मैंने एमफिल किया हिस्ट्री ऑफ आर्ट, तो ये सारे जो चीज है मैंने प्रकृति से लिया, और मेरा पेरेंट्स जो है मेरे पापा जी वांछानिधि मल्लिक और मम्मी हेमांगिनी मल्लिक और मेरा बहन, ये लोग सारे बाहर रहते थे, तो हमारा घर में कल्चर जो है तो एक माहौल था नेशनलिज्म का, आपके परिवार में भी कोई रीजनल,
नहीं आर्ट नहीं, मेरे बहन सुजाता मल्लिक और पुष्पिता मल्लिक एंड ये लोग को कभी सस्मिता मल्लिक ये लोग कभी आर्ट नहीं करते थे, लेकिन मेरे को इंस्पायर करते थे तो मेरे को हेल्प करते थे। तो हमारा बहन लोग वो म्यूजिक सीखते थे और मैं भी कभी बचपन में तबला सीखता था, तो वो हम आर्ट परिवार में नहीं थे लेकिन आर्ट को समझने वाले थे। तो इसलिए पेरेंट्स का भी काफी हेल्प लगा, कोई कुछ जरूरत पड़ता तो सडनली ला के दे देते थे। और ये सबसे बड़ी, मैं सारे पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो या सब्जेक्ट को नहीं समझ में आ रहा है, बट इतना करिए कि जो कह रहा है बच्चा को जो कोई रिक्वायरमेंट है प्लीज उतना जितना संभव है वो दे दीजिए, तो उतना ही बहुत बड़ा होता है, बाकी बच्चा अपने आप आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। तो अब हम एक काम करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी 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 जी। एक प्रश्न तो हम इसी से ही ले लेते हैं, कला समाज के लिए क्यों जरूरी है? ये जरूरत नहीं है कला समाज के लिए। मैंने एक जब ये पोस्टर देखा मेरे को लगा कि जरूरत नहीं, ये अभिन्न अंग है। आप है ना, माँ का ब्लेसिंग्स का जरूरत है, ऐसा नहीं है। माँ का ब्लेसिंग ऑलरेडी हमारे साथ जैसे रहता है ना, तो कला ही समाज में रहता है और ये इंसान के अंदर रहता है। देखो आप 64 कला जी जी 64 कला बोलते हैं ना, यहाँ थोड़ा साउंड मेरे ख्याल से क्लैश हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आम लोग बोलते हैं कि किसी को आर्टिस्ट बनना है, लेकिन उसको जैसे समाज के तौर पे अगर देखा जाए तो सामाजिक तौर पे लोग बोलते हैं आर्ट करते हो और क्या करते हो, तो वो उस चीज को लेते नहीं है, वो आर्ट को तो एज ए सेकेंडरी ही लेते हैं कि आर्ट करता है साथ में और क्या करता है सर्वाइविंग के लिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया कि समाज में मतलब कला क्यों जरूरी है। मेरा ये क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन रखता हूं क्योंकि अवेयर करने की जरूरत है लोगों को। नहीं वो तो है ही, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप देखिए P2P आर्ट का जिक्र हुआ है जी, है P2 प्राइमरी स्कूल से PhD तक आर्ट का जिक्र हुआ है। कोई भी विद्या है सब आर्ट के माध्यम से पढ़ाएंगे, आर्ट का इलुस्ट्रेशन रहेगा, आर्टिस्टिक स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा और हर एजुकेशन सिस्टम में आर्ट का जिक्र हुआ है, आर्टिस्ट का आर्ट का जरूरत भी दिखाया गया है। तो इस टाइप का आर्ट अभिन्न अंग नहीं है। आर्ट आप कोई भी बड़ी विकसित देश में जाइए बात करिए, आर्ट उसका अभिन्न अंग है समाज में। कोई भी हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, मेरा एक PhD स्कॉलर है वो कलिनरी आर्ट में रिसर्च कर रही है, मतलब वो जो केक बनाती है वो जो स्कल्पिंग करती है वो भी आर्ट है ना। खाना प्लेटिंग और अभी रिसेंटली और एक आ रहा है जो खाना जो प्लेट बनता है वो जो एस्थेटिक की वो रिसर्च कर रही। और एक स्कॉलर है, आप सुन के हैरान होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर एक PhD स्कॉलर ने मेरा PhD यहाँ किया, अभिजीत मोहंती ने, वो भी एक आर्ट है बिकॉज वो टेक्नोलॉजी। 64 कला में आप जब जाएंगे देखेंगे सभी में आर्ट है और सभी वो समाज का, उस 64 कला को छोड़ देने में समाज है ही नहीं, हम जी नहीं सकते। तो वो सारे प्रक्रिया में आर्ट है। जो आप जो कह रहे हैं प्रोफेशनली विजुअल आर्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो सभी में जरूर होते। पहले क्या होता था जो गुरु शिष्य परंपरा में चलता था, जो भी आर्ट एजुकेशन पॉलिसी है, क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारा आर्ट को आप देखिए इंडियन टॉयज के बारे में बात कर रहे हैं आप, सारे 99% हम लोग ने बाहर विदेश की कोई विदेश के टॉयज का इस्तेमाल करते थे। आज हमारा खिलौना भूल गए, लट्टू को भूल गए, टायर चलाना भूल गए, बड़ा मजा आता था टायर चलाने में। और दूसरा एक जो वुडन वुडन खिलौने होते थे वो तो आजकल दिखते ही नहीं, वो सारे आप जो कह रहे हाइजीनिक है ऑर्गेनिक है, अरे वही तो है, मैं वही कहता हूँ, अरे वही तो है ऑर्गेनिक हाइजीनिक। और वो जो प्लास्टिक का है ये सारे चीज वो तो रिप्रोडक्शन में होता है, उसमें टॉक्सिक होता है, तो वो सारे चीज हमारे समाज में ऑलरेडी है। हाँ जरूरत है उसको हमको समझाना बताना और उनको कैटेगोराइज करना और उसको जो आपने कह रहे थे डेवलपमेंट करना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। और मैं सभी को श्रोता को ये आश्वासना दिलाता हूँ बहुत जल्दी आर्ट एजुकेशन का मैक्सिमम जगह में परिवर्तन हो चुका है। विशेषकर मैं अभी बैठा हूँ चित्रकारा यूनिवर्सिटी में, मैं डीन के रूप में अभी कार्यरत हूँ। हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, आप बिलीव करेंगे, हम ट्रेडिशनल आर्ट को इंट्रोड्यूस किए, हमने आर्ट एजुकेशन को डेवलप किए, आर्ट मैनेजमेंट हमारा कोर्स में है बिकॉज ये जरूरत है ना, क्राफ्ट का जरूरत है, डिजाइन का जरूरत है,
है ना, सेरामिक का जरूरत है, बिकॉज ये आर्ट है, सिर्फ पेंटिंग करना, ड्राइंग करना ये, या डिजाइनिंग करना, या कंप्यूटर आर्ट का जरूरत है, तो ये सारे चीज आर्ट है, और इसमें करियर, बाकी जैसे डॉक्टर इंजीनियर में करियर हो सकता है, इसमें भी बहुत सारे करियर है, और अच्छा खासा, और सबसे बेनिफिट बात है कि आप अपनी पैशन को अपनी प्रोफेशन में इंसान जब बना देता ना, उससे दुनिया में खुशी का बंदा कोई नहीं है, यानी पैशन जिसका जी 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 जी, तो पैशन प्रोफेसर बनने के लिए कला ही एक माध्यम है, कोई भी कला। ये जैसे कि आप फोटो अभी दिखा रहे हैं, ये मेरा गुरु जतिन दास, मैंने एक यहाँ नेशनल वर्कशॉप किया था, मैं पेंटिंग दिया था, तो वो बता रहे थे रंजन तेरा ड्राइंग में थोड़ा कमी है, और थोड़ा ड्राइंग प्रैक्टिस करो, अभी भी मेरे को वो गाइड करते हैं, बोलते हैं तो ऐसा करो, ये मैंने चित्रकार यूनिवर्सिटी में एक किया था, तो गुरुजी जतिन दास आए थे, तो ये सारे आर्ट एजुकेशन पे बहुत सारे चर्चा होता है उनके साथ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, हुसैन साहब की बात यही लोग है, रजा साहब है, सोजा है, एम एफ हुसैन, शामसुद हुसैन, ये सारे लोग जो है ताहिर मेहता जी, ये लोगों का जो कला है, जो शिक्षा पद्धति है, उनका जो एक्सपीरियंस है, हम वो मेरे को लगता है कि एक जन्म भी कम पड़ जाएगा उनको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का। ये जो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ से ये इमेज में मैं स्मार्ट विलेज, जब मोदी जी का तत्वाधान जो शुरू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैंने स्मार्ट विलेज का प्रोजेक्ट बनाया था कि गांव को जो स्मार्ट सिटी हुआ था, देन सडनली आया ये दिल्ली में हुआ था, मेरे को ऑनर किया गया था, तो स्मार्ट विलेज का प्रपोजल दिया था गांव में, आर्टिस्टिक स्मार्ट विलेज कैसे हो सकता है, ऑर्गेनिक को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो उस बारे में मेरे को सम्मानित कर रहे थे। ये एक और एक इंटरेस्टिंग है, जो जब आर्ट के बारे में बात हो रहा था, जो कहता मैं कहा कि इंस्टीट्यूशन लेवल में, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आर्ट को बहुत ऊंचाई में कितना जा सकता है। बार मैंने चंडीगढ़ में हयात होटल में फर्स्ट हम लोग ने सेलिब्रिटी शो रखे थे, उसी का एक कैटलॉग लॉन्चिंग हो रहा था, जतिन दा आए थे, तो उसी का ये फोटोग्राफ थे कि आर्टिस्ट को बहुत हाई लेवल में भी हम लेके जा सकते है ना, ये आर्ट को, ये मेरा दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो उसका भी मैं जूरी था, मेंबर था, तो आर्टिस्ट लोग ये अनूप चांद और प्रदोष स्वाई जी भी मेरे साथ है, वो भी पेंटिंग दिए थे, तो आर्ट को सिनेमा के साथ जोड़ना, जब भी मेरे को मौका मिलता है इंडिया में, मैं सारे सोशल काम की बहाने तो करता रहता हूँ। वाकई, और ये मेरे ख्याल से एक होता है ना, आपका समाज के लिए सारी जिम्मेदारियां सभी की होती हैं, लेकिन हर कोई करता है, कोई कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। मैं नहीं करता हूं तो मेरे को लगता है कि कुछ कमी हो जाएगा, मैं वर्कहोलिक हूं, तो अभी भी रिसेंटली आप अच्छा लगेगा सुन के, जो आजादी के अमृत महोत्सव कला कुंभ हुआ है ना जी, ये तो मेरा सोलो शो था इंडिया हेबिटेट सेंटर में, इसमें ये नीलमाधव पांडा जी आए और सुनील चोपड़ा जी, बहुत प्यार करते थे, आज वो नहीं है गुरु जी, उनका मैं यही कहा, इतना लोगों का ब्लेसिंग से मेरे ऊपर, इतना लोगों का सपोर्ट है, मतलब बेटा कह के समझाते थे, बेटा ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, सुनील चोपड़ा जी उन्होंने कहा था कि बेटा तू अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को थोड़ा कम कर, फिगरेटिव को थोड़ा डेवलप कर, आज भी सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी जाने से पहले बहुत सारे चीज मेरे को सिखा के गए, बहुत सारे मेरे बार आर्ट के बारे में खुद लिख के गए, वहां जो बीच में आप देखेंगे टी शर्ट में नीलमाधव पांडा जी है, एक इंटरनेशनल एक्लेम्ड फिल्म मेकर है, आर्ट डायरेक्टर है, तो उनको जो एक फेमस मूवी है आई एम कलाम मूवी, तो वो सारे चीज वो आते थे, जब भी मैं कहीं बुलाता था आर्ट के लिए, सुधांशु सुतार जी भी वहां मिलेंगे, तो वो सुधांशु सुतार भैया का काफी मेरे को गाइडेंस मिलता है, तो ये भी और एक इंटरनेशनल शो है इंडिया, नहीं सॉरी ललित कला एकेडमी शायद, हाँ ललित कला एकेडमी में, तो जब भी मेरे को मौका मिलता था मैं आर्ट को ऊंचाई थे, मेरे बेस्ट कितना हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग करना, सपोर्ट करना या हेल्प करना, तो जैसे कि ना झाड़ू मारने से एंड तक पीआरओ को संभालना, आर्टिस्ट को संभालना, तो करने में मेरे को खुशी होता है। सही बात, तो वही तो आर्ट है। अब मैं ये क्या समझता हूँ कि डूइंग ए गुड आर्ट या गुड पिक्चर इज नॉट आर्ट, तो उसको समझना, ये देखिए ये भी हमारा मैंने काफी लोगों के साथ ये भी एक मॉल में भी हम लोग ने एक ट्राई किए थे नीव आर्ट सेंटर में, ये में तरफ से तो ये भी एक शो का था, मैं छोटे छोटे इमेज को लेकर हमने मॉल में भी कल्चर डेवलप किए थे कि कैसे आर्ट एग्जीबिशन हो सकता है जिससे सामान्य लोग कनेक्टिविटी बना सके। जी जी, ये एक हम लोग ने एक गोल्फ कोर्स में इंटरनेशनल आर्ट सिंपोजियम था,
ऑल ओवर वर्ल्ड से आर्टिस्ट लोग आए थे, वो ये वहां भी मैंने जाके भी पेंटिंग किया था समटाइम। और मेरे को खेलने भी बड़ा शौक है गोल्फ का, तो मैं गोल्फ भी खेला और वहां मेरा पेंटिंग भी किया काफी अच्छा। और उनको भी जितने भी कोऑपरेशन करना है तो उतना भी मैंने हाथ बढ़ाता हूँ। तो वो मेरे को लगता है कि यही है आर्ट, क्योंकि पेंटिंग करने के बाद, पेंटिंग आपको एक ट्रेंड आने के बाद इतना आप, और किताब लिखने के बाद कितना टाइम बचता है। ये जो इमेज है मेरा, ये एमिटी यूनिवर्सिटी में जब वहां कार्यरत था गुड़गांव में, तो विदेशी लोगों को मैं बुलाता था स्टूडेंट को, वो तो ये व्हाट्सएप का एक फोटो है, तो वो लोग आए थे देखे थे, काफी लोग ने भी पेंटिंग वहां से खरीदे भी। तो स्टूडेंट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता हूँ, ताकि मेरा ये मानना है गोविंद जी कि एज ए टीचर, एज ए टीम लीडर, मेरे को स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को भी उचित प्लेटफॉर्म देना बिल्कुल जरूरी होता है। तो वो देने में तो वो विकसित हो जाएंगे या वो डेवलप हो जाएंगे, तो हम डेवलप हो जाएंगे, संस्थान डेवलपमेंट हो जाए। सर आप जैसा सोचते हैं ना, हर कोई नहीं सोचता है सर ये चीजें, ये मैं वाकई दिल से बोल रहा हूँ। कई सारे लोगों से बात करता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं या देने की कोशिश करते हैं, हर जगह पे ये वो लोग कर नहीं पाते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप, जी बिल्कुल अच्छी बात है कि आप हमेशा इस तरह से करते रहें दूसरों को सपोर्ट। ये बहुत, आने वाले समय में वही लोग आपको एक जगह पर मिलेंगे और आपको याद करेंगे। हाँ, अभी रिसेंटली कल की बात है, कल एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आए थे, तो उनका आंख में आंसू था कि उनका बेटी का पीएचडी सिलसिले में बात हो रहा था। तो मैंने जब यहाँ से उनको कुछ दिक्कत आया, पीएचडी का हेल्प किया, तो मैं, मेरा टीम सारे लोग उनको हेल्प कर रहे थे। वो बड़ा इमोशन हो गया, रात को लेट नाइट में मेरे को फोन करके, मतलब मैंने दुनिया, मतलब 75 पे एज किए, मतलब मैंने दुनिया में बहुत लोगों को देखा हूँ, इंडिया में, विदेश में, चंडीगढ़ से आए थे। तो आप लोग का जो टीम का कोऑपरेशन है, जो जेस्चर था वो बहुत चमत्कार था। वही जेस्चर मैं कहा कि ये हमारा नहीं, ये कलाकार का जेस्चर है, और उसको हम कोशिश करके आपको अच्छा लगा तो ये हमारा मैंने सक्सेसफुल। ये जो फोटो अभी देख रहे हैं, ये जीडी गोनिका का मैं जाता रहता हूँ कुछ छोटे बच्चों को। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे गोविंद जी कि डॉक्टर मल्लिक और टाइम बड़े लेवल में कहा था, हम लोग ग्राउंड लेवल में जाते हैं छोटे, बड़ा अच्छा लगता है ना, वो कुनी कुनी छोटे छोटे बच्चे का बातें सुनना, इधर उधर तोतला भाषा में, लैंग्वेज में ये करना, उनको आर्ट में ये करना। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं गाड़ी उठा तो सीधा पहुंच जाता हूँ, कभी आगरा में, कभी भोपाल में, कभी और कहीं जयपुर में। सही, ये वहां का पटो, ये मेरा गुरु, ये जो है लला टेंदू रत, जिनके पास मैंने अभी भी हूँ, अभी भी मैंने जय भी जाता हूँ तो उनके पास रहता हूँ। नेशनल अवार्ड ये फिल्म मेकर है और आर्टिस्ट है और ऑथर भी है, फोटोग्राफर है। वो जब भी मौका मिलता है तो, है ना, तो ये सारे चीज उनके साथ में शेयर करता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ। अभी भी मेरा, है ना, डांट भी देते हैं रंजन ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, और थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से सोच, और थोड़ा डीपली सोचो, और थोड़ा दूसरे एंगल से सोचो, और हर टाइम पॉजिटिव बात करते। मैं तो सोचता हूँ इनका पॉजिटिव, इतना साल हो गया उनको, इतना उम्र हो गया, उनका पॉजिटिव खत्म नहीं हो रहा है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं अभी तो उनके आगे में बच्चा हूँ, है तो अभी भी 75 की प्लस होगा, तो अभी भी उनका पॉजिटिव भी खत्म नहीं हुआ, और दुनिया वर्ल्ड देख चुके हैं, वो इतना फिल्म बना चुके हैं, नीना गुप्ता, ओमपुरी नासिरुद्दीन, उनके साथ बड़ी बड़ी मूवी भी कर चुके हैं ये लोग, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, है? फिल्म डायरेक्शन के लिए और एक्टिंग के लिए, और बट वो जनरली आर्ट मूवी बनाते हैं, बट अभी भी वो पॉजिटिव है, अभी भी उनको वो, मेरे को लगता है कि दादा और भी सिखा दीजिए, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आ रहा, अभी भी मेरे को बताते। तो मैं वही जो कहा ना, इतने सारे लोगों का मेरे ऊपर उनका मतलब पाठ मेरे अंदर है, तो वो पाठ को जब मैं इम्प्लीमेंट करने में मेरे को एक जन्म कम पड़ेगा। बिल्कुल जी जी, ये मेरे को एक राष्ट्रीय सम्मान दे रहे थे, डीएन राव साहब है, रामहरि जेना सर है, और एक ब्यूरोक्रेट है भुवनेश्वर में। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है ना, मैं अपनी मिट्टी में चले जाता हूँ, क्योंकि वही माँ तो माँ होता है, है ना, तो अपनी मिट्टी के लिए कभी करना होता है, कभी ये करना होता है, कभी मेरे हाथ में कि एजुकेशन सेक्टर हो, कि ऑर्गेनाइजिंग है, या कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसीलिए वो मेरे को एक राष्ट्रीय सम्मान दिए थे, आओ वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ ओडिशा का,
तो वो लोग मेरा आर्ट का जो योगदान के लिए उन्होंने दिए थे। ये भी एक कैफे है, हाँ जो नेक्स्ट आप इमेज दिखाई वो कैफे का है। तो इंग्लिश लोग कुछ इंडिया में है, दिल्ली में है, तो वो कैफे खोलते। कैफे में क्या होता है कि आप चाय पे नाश्ता करो, खाना खाओ, बुक रीडिंग करो, पेंटिंग करो। तो वो कैफे में इनवाइट किए थे गेस्ट के हिसाब से। मैं वहाँ पेंटिंग कर रहा था लाइव, लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था ये करीब 8-10 साल पहला का फोटोग्राफ से है ना। ये था मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कैफे से कैसे वेस्टर्न कंट्री का, तो ये बहुत बढ़िया सीधे है। गाना बज रहा है, पेंटिंग हो रहा है, आप कॉफी पी रहे हो, अच्छा आपका फेवरेट किताब पढ़ रहे हो, या फेवरेट व्यक्ति फ्रेंड से या फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो ये बड़ा मजेदार होता है कॉन्सेप्ट ने कैफे का। ये मेरा वाइफ है सोनिया मल्लिक, वो भी आर्टिस्ट है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग का एक जी ये बड़ा फोटो इंडिया हैबिटेट में मेरा 1600 था और मेरा स्टूडेंट, वो सारे चीज हम लोग ने तैयारी थे। और मजे की बात है, मैंने जो पहला मेरा अपने करना मेरे शो की एग्जीबिटर का डिटेल्स मैनेजमेंट करना, वो सारे हेल्प करती है, मेरे साथ रहती है। तो इसीलिए वाइफ का भी बड़ा योगदान है आज मैं रंजन बिल्कुल। और ये हेल्प तो बहुत जरूरत होती है क्योंकि सारे चीजें हम नहीं कर सकते ना कई बार। हेल्प मैं जी हेल्प के साथ वो हर टाइम खड़ी है, बिल्कुल हर टाइम में। मेरा दो बेटा अभी अर्णव है, अथर्व है, वो भी उनको सारे पालना, मेरा मैनेजमेंट को संभालना वो बड़ा टफ काम है। ये मेरा गुरुजी डॉक्टर दीननाथ पाठी, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा ललित कला में थे, दिल्ली ललित कला अकेडमी के सेक्रेटरी भी थे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरा शो में आए थे दिल्ली में, बड़ा ब्लेसिंग दे के गए, आज गुरु जी है ही नहीं, लेकिन बहुत सारा चीज, इतना सारा चीज बता के गए हैं कि आर्ट में उनसे इंस्पायरेशन हुआ हूँ कि ए, ए, किताब कैसे लिखना है। उन्होंने बहुत किताब लिखा है इंडिया की आर्ट के बारे में, ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में, कंटेम्पररी आर्ट के बारे में। 1000 ब्लूज में एक बहुत बड़ा फेमस किताब है, पॉपुलर किताब है, सोरा आर्ट के बारे में, ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में। दिगप हंडी ड्राइंग मास्टर मास्टर एक उनका बड़ा फेमस एकेडमी अवार्ड का बुक है। तो बहुत सारे किताब लिखना कैसे है और आर्टिस्ट को पढ़ना कितना जरूरी है, वो मेरे को सिखाए थे बिल्कुल डॉक्टर दीनानाथ पाठी जी। ये मैं शिमला में, ये शायद शिमला नहीं, ये है जम्मू कश्मीर पे, जीडी धरन उनका, वो मैं और मेरा वाइफ हम लोग और किशोर रॉय, काफी लोग हम लोग ने गए थे वहां, इनवाइट थे वो जम्मू कश्मीर में। ये श्रीनगर में हम लोग पेंटिंग कर रहे थे, जबकि उस टाइम हालात इतना अच्छा नहीं था, तो बट हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी मिला था और काफी एक एस्कॉर्टिंग किया जाता था, बट हमको कभी पता भी नहीं चला। और पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ओपनली कि एक जन्नत जो कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, क्यों है ना। बिल्कुल तो हम लोग शहर में रहते हैं, हम सोचते हैं कि मेटेरियल वर्ल्ड है, वहाँ कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट वह सुंदर था, वो ऑर्गेनाइजर बड़ा सुंदर है, आमिर खान भी वहाँ भी आके भी जा चुके हैं, तो बहुत सुंदर एरिया है श्रीनगर। ये मेरा एक सोलो एग्जीबिशन है मेरे साथ है, ये जो है सुधांशु सुतार जी है, सुधांशु सुतार जी है वो ये सामा जी है ना, सुधांशु सुतार भैया, वो भी काफी मेरे को इंस्पायर करते हैं कि मैं कैसे काम करूं, रंजन ये तेरे को करना है। कभी आज तक उन्होंने कभी मेरे को नेगेटिव अप्रोच नहीं किए या खराब नहीं कहा, हर टाइम कहते हैं रंजन ये तरह बेस्ट हो गया, वो तरह बेस्ट हो गया, रंजन ये तरह बेस्ट लग रहा है, और रंजन ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, रंजन तो ये भी करना चाहिए। तो ये सारे मेरे को ना उस्ताते हैं, जो कहते हैं प्रोवोक करते हैं टू डू दी गुड वर्क। बिल्कुल। और एक चीज मैं महसूस करता हूँ सर, आप इतने बड़े पोस्ट पे होके आप सारे लोगों से जो चीजें ओपिनियन लेते रहते हैं, ये इंसान के सरल होने की एक निशानी है। आप जितने सरल भाव से लोगों से मिलेंगे ना, लोग उतने ही सरल भाव से आपको ये होते हैं। तो ये चीज तो मैं जैसे बात करते करते मुझे महसूस हुआ, तो मेरे को बोलने की इच्छा हुई, तो मैं ये बात को रख रहा हूँ आपके सामने। हाँ, इस इमेज के बारे में हम जानना। हम लोग को सरल, मेरे को सरल और डिफिकल्ट बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, मैं वही कहूंगा कि जितना प्रकृति तो सरल है ना, बिल्कुल नेचर सरल थे, तो माँ एक सरल होते हैं, गुरु एक सरल होते हैं, तो वो हम लोग डिफिकल्ट क्यों। आप लाइफ ना बहुत सुंदर, एक जिंदगी जो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो बिल्कुल हम जितना सरल होंगे तो हम
देखिए मेरा चश्मा में, ये चश्मा जितना ट्रांसपेरेंसी होगा, जितना सिंपल रहेगा, जितना क्लैरिटी रहेगा, तो मैं उतना क्लैरिटी को अलग अलग कलर, अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। मैं इसमें कोई कलर का चढ़ा लू, कोई डिफिकल्टी कर लू, तो मेरा ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगा। मैं बिल्कुल टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे चीज सरलता का राज हुई है। ये एक मजेदार चीज है। एक बार ये जयपुर में आया कि जुगलबंदी करना है, तो ओके विद इन मेरे को मिला था, जो कहते हैं ना आप रिक्स लेते हो, मेरे को 1 घंटा का प्रोग्राम था लाइव करने का, बट मेरे को दिया गया। मैंने रास्ते में गया और तो मेरे को करके आधा घंटा, जब मैंने होटल में, एक 5 स्टार होटल में हो रहा था, टिस्को एक कंपनी स्पॉन्सर कर रहा था, देन बोले कि आपको 15 मिनट ही मिलेगा। जब स्टेज में चढ़ा, मेरे कान में उनका डायरेक्टर का, सर आपको 5 मिनट ही मिलेगा पेंटिंग करने में। मैंने कौन सा पेंटिंग, ना जल महल हो या आपका वो जो जयपुर का कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट का बनाना है। यार मैं तो कैनवास सजाते सजाते तो 5 मिनट हो जाएगा। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं मेरा इंद्रियो तम सब काम में लग गए हैं। मैंने 7 मिनट में वहां मैं पेंटिंग किया। हाँ मैं थोड़ा चार्ज ज्यादा करता हूँ पर मिनट को, मैंने 5,000 उस टाइम मैंने चार्ज किया था। तो देन उन्होंने 2-3 बार मेरे स्टेज में बुला के पेंटिंग करवाया। तो वो बिल्कुल सारे जो चीज है, तो मेरा इंद्रिय सारे काम में लग गए। बहुत फास्ट, इतना फास्ट भी, मतलब सुपर फास्ट ट्रेन भी, इतना उससे ज्यादा कितना फास्ट ला। और वो ताल में भी करना है, और ताल में क्या था, कंटेम्पररी डांस के साथ मर्ज करना। और मजे की बात है, उसका वीडियो मेरे वाइफ बना रही थी और वाह, ऑडियंस में बैठ के। तो ये ओके सारे चीज होता रहता है, जब भी मेरा मौका मिलता है तो पैसा भी थोड़ा मिलता है, अच्छा लगता बिल्कुल, ये सारे है। अनुभव ही हैं जो आपको है ना एक वाकई एक बहुत प्रीशियस जगह दिलाता ये मेरा गुरुजी है, प्रोफेसर आज नहीं है, प्रोफेसर व्योमकेश महंती। ये मेरे को इंडिया आर्ट, वर्ल्ड आर्ट, इन्होंने मेरे को कान पकड़ के सिखाया। मतलब कोई स्टूडेंट चला गया क्या, फिर भी मेरे को, मैं अकेला बैठा था उनको, और सेवा मैंने भी काफी कोशिश किया हूँ, उनका सेवा करूँ, किया भी हूँ, बट अंतिम दर्शन नहीं हो पाया। तो हम उनकी मेमोरी में हर साल भुवनेश्वर में उनका एग्जीबिशन करते हैं, अवार्ड देते हैं, और मेरे को भी उसमें जाने का मौका भी मिलता है। तो गुरु का सेवा नहीं होने की बात, आज के स्टूडेंट्स काफी कहते हैं कि यार गुरु जी तो पास आउट हो गए, या हमारा और उनके क्या काम है, या मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया टीचर, अभी वो BFA पढ़ा रहे हैं, मैं PhD का एजुकेटर हो गया, मेरा BFA टीचर कोई एजुकेटर नहीं है। लेकिन उनको ये पता नहीं, रूट जो है वहीं से बिल्कुल अभी भी है। रूट जब कट जाएगा ना, आपका इलेक्ट्रिक बिल का ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन से जब वो कट जाएगा ना, बिजली का कनेक्शन, तो आपका ये जितने भी इंटीरियर एक्सटीरियर में लाइट जल रहा है ना, सारे बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये आपने मैं उनको, बहुत मैंने सही डरा बात नहीं रहा कही हूँ। है। रूट जो, हाँ जी, रूट जो गुरु का, पिता माता का, वो समाज का या अनुष्ठान का जो रूट है, आपको जो दे रहे हैं, आप लेके इतना सारे चीज हम कर पा रहे हैं, वो रूट को याद रखना होता है। बिल्कुल नहीं जी भूलना सर, चाहिए उस चीज को। ये मेरा और एक गुरु है, ये है डॉक्टर चित्रलेखा सिंह। ये भी, ये इन्हीं ने पहले बार मेरे को प्रोफेसरशिप दिए, तब बड़ा विश्वास था कि तू प्रोफेसर बनेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को आर्टिस्ट बनना है। मैं जतीन दास से आया था, थोड़ा जोश था, ये था, मैं आर्टिस्ट बना हूँ, दुनिया में कुछ कर लूंगा, या ये कर लूंगा। तो उस टाइम मैं मजेदार काम भी, आगरा में ताजमहल में भी एक दो चीज हम एक्सपेरिमेंट किए थे। मेरे को एक दिन याद आया कि ताजमहल में जाके ना हम सामने बैठ के सारे पेंटिंग करेंगे। तो बाकी आगरा की जो सहपाठी थे और स्टाफ थे, ये पागल है ये, कि ताजमहल में ये लोग मोबाइल लेने के लिए अलाउ नहीं करते, ये करे पेंटिंग करेगा। खैर मैंने परमिशन लाया, और उन्होंने, चित्रलेखा सिंह ने, हाँ कि नहीं बेटा तू कर सकता है। जो मैंने उनके टेबल पे नेक्स्ट डे परमिशन दिखाया कि 150 आर्टिस्ट का परमिशन था, देन वो फटाफट रात रात मेरे को सारे चीज हेल्प किए, यूनिवर्सिटी बिल्कुल से परमिशन लेना, गवर्नमेंट से लेना, स्पॉन्सर लाना। तो वो विश्वास अभी भी मेरे, रिसेंटली लास्ट मंथ मेरे पास, यहाँ अभी कनाडा में रहते थे, अभी इंडिया में आ गए, तो चित्रलेखा मैं वहां आके भी, मेरा PhD एग्जामिनर होके आए थे, अभी भी मेरे को प्यार करते हैं और वही भी मेरे को गाइड करते हैं, हाँ, अच्छा लगता है। वाकई, और ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट होना तो फिर क्या चिंता। जी, ये मेरा एक ऑल इंडिया फाइन आर्ट IFX का दिल्ली में एक मेरा एग्जीबिशन था, तो उसका मैं मीडिया गाइड दे रहा हूँ। वो भी इंडिया में जितना भी अनुष्ठान है,
सारे अनुष्ठान में मेरा एग्जीबिशन होता है या वर्ल्ड में भी होता है, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ता हूँ। चाहे ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन काम, मेरे को मैं सोचता हूँ ये मेरे को एडिशनली दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन काम एडिशनली दिया गया है और इसको मैं कर लूंगा और कर सकता हूँ। बट जो बिल्कुल रूट है मेरा, जो मैंने रूट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरा आर्ट है प्रैक्टिस करना। तो मैं सोचता हूँ इसी वजह से ये सारे चीज जब मिला उसको मैं कभी भी नहीं, संगत जो ना, कोई भी आप बिस्मिल्ला खान का आप देखिए कि, या कोई भी गुरु का, तो पेंटिंग नहीं, उनका आर्ट को रियाज करना, तो मैं रियाज करता रहता हूँ हर रोज, और जब भी मौका मिलता है तो रियाज कभी नहीं छोड़ता। ये बहुत एक जरूरी है। व्हाट्सएप है, नेशनल व्हाट्सएप है। ओके हाँ, ये गुड़गांव में मैंने किया था, IIELM एक यूनिवर्सिटी है, तो वहां भी मेरा वो, उन्होंने काफी पेंटिंग मेरा खरीदा है। तो ज्यादातर मेरे पेंटिंग कनाडा में है, दुबई में, मोस्ट ऑफ दिस ओके पेंटिंग्स तो है ना। ये मेरा एक PhD स्कॉलर, एक भाई भी है, सुदर्शन पाल सिंह। तो ये जब भी हम लोग आर्ट के बारे में बात करें, आर्किटेक्चर बात करें, अभी मैं चित्तरा यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टर है आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग में, तो ओके अभी उन्होंने मेरे अंडर PhD भी किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मल्टी डिसिप्लिनिंग, पहला मेरा PhD स्कॉलर है ये, सो चितकारा में पहला स्कॉलर है। तो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उनको अवार्ड मिला। तो और भी उन्होंने अभी काम किया, बेसिकली वो शांति निकेतन से पास आउट है, पंजाब ओके की रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं चितकारा में। हाँ तो वो सारे हम लोग चर्चा करते रहते हैं कैसे बड़े बड़े, अभी हमारा परसों भी ललित कला में भी एक इंस्टॉलेशन है। ये ओके सारे देखिए, BN गोस्वामी साहब है ना, माना जाना एक कला गुरु है, आर्ट आर्ट हिस्टोरियन है, बड़ा ऑथर है। तो चंडीगढ़ में तो भगवान जैसे मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेट है, ऐसे ऑफिसर है। तो ओके वो है ना, प्रदोष मिश्रा जी जो बनारस में HOD है आर्टिस्ट एस्थेटिक में, तो उनका गुरुजी भी है। तो ये कहीं ना ओके कहीं वो मेरा सीनियर है, ये उनका टीचर है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता रहता है हमारा, है ना। बिल्कुल प्रदोष मिश्रा जी बनारस में जो है, बड़ा अभी भी प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट, ये प्यार भी करते हैं, और मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कैसे लिखना है, कैसे परफेक्शन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन काम को कैसे टाइमली करना है, काफी चीज ये होता है। वाकई ये मेरा कुछ मित्र है प्रिय रंजन, और ये सारे, ये इंडिया नहीं, हयात में, ये मेरा सेलिब्रिटी शो में वो आए थे, पीछे देखिए किशोर रॉय भी दिख रहे हैं, तो संजय भी है। तो वो सारे चीज यंग कंटेम्पररी सीनियर मास्टर आर्टिस्ट के साथ काम करने में, और सबको एक ही मंच में लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, गोविंद जी विश्वास करिए इतना आसान नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल सारे सारे अपने अपनी एक ईगो में, एक स्टाइल में, टेक्निक में रहते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज तक कर लेता हूँ, है ना। बिल्कुल, ये चीजें मैं तो तब कहीं से ना समझा कहीं हूं धन्यवाद। जब से वो फाउंडेशन का हमने शो के लिए हमने कई सारे, वो आपको याद है ना, उड़ीसा के जो हमने सारे, जी फिर जी ऐसे जी लगभग लगभग बिल्कुल, आठ हाँ, नौ स्टेट सेक्टर का अलग वो अलग सेक्टर, एग्जीबिशन किया था, तो सबका माइंडसेट अलग होता है। हाँ सबसे सब सम सेम टाइम पे काम बुलवाना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत डिफिकल्ट तो होता है, ये चीज तो हम भी समझ सकते हैं। जी 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 ये कर्नल राकेश जी है, पीछे मेरा और एक गुरु हिम चाटा जी, प्रोफेसर हिम चाटा जी, शिमला की, वो चेयर पर चेयरमैन है पीछे वाला इमेज में, ओके और कर्नल राकेश है उनके साइड में जो है, जतिन दास की मेरे साइड में और कर्नल राकेश जी के बीच में है, बीच में जो तो है हिम चाटा जी है, वो भी ओके बहुत, वो UCC मेंबर है और वो चेयरमैन है, बहुत प्यार करते हैं आप छोटा भाई से। और कितना सनो चाटा जी का उनको, उनने उनका सुपुत्र है, उनका खुद का आर्ट गैलरी है अभी तो दिल्ली में, इंडिया में जितने टनल बन रहा है वहाँ जो आर्ट का है, क्योंकि उन्होंने भी, हिम चाटर्जी जी ने किया था। तो बहुत ओके एडमिनिस्ट्रेशन में कितना काम करना है, परफेक्शन करना है, UGC में वो बात को लेके पहुंचाने में काफी मदद करते हैं मेरे को, और UGC गाइडलाइन को पढ़ा, कैसे फॉलोअप करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो वो एक गुरु में भी मेरा भी मानता हूँ उनको गुरु, वो है प्रोफेसर हिम चटर्जी जी। ये जब कोविड हुआ, कोविड में ऑनलाइन हो गया, सारे हाहाकार मच गया, यार पेंटिंग कर कैसे ऑनलाइन में करें, कॉपिंग कैसे ऑनलाइन करेंगे, मेरा फैकल्टी लोग परेशान, सारे परेशान, ऐसा नहीं होता। तो वो सबको, बनारस से, कोई भी बिहार से, कोई भी दिल्ली से, झारखंड से, हरियाणा से, हिमाचल से, सारे मेरा खिलाफ हो गए, खिलाफ नहीं, नाराजगी दशा, सर ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन कैसे आप करेंगे? ऑनलाइन में सारे चीज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, हाँ, तो मैंने कहा कि रुक,
एडवांस नहीं था, लेकिन आपने सहपाठी को बुलाया, पूछा जाके एमबीए वाले से, मैनेजमेंट से देखा कि कैसे कर रहे हैं। मैं कहा बस टेक्निक से मैं अलग हो जाएगा, तो मैंने वो कोशिश करके किया, देन वो लोग ने फॉलोअप किया। सही, और ये वो चीज करके आपने दिखाया तो वो सब फिर शानदार। मानने लगे उसको। हाँ मान गए, मैंने जाके उनको सुबह आने से पहले कल्चर रूम में जाके आने से पहले मैं वो रेडी कर देता था, सही, मैं थोड़ा जल्दी आता था, रेडी कर देता था वो। मैं कह कुछ नहीं सोचना, कहा जी मगर मिट्टी रख दिया है ना, और या पेपर पॉल रख दिया। मैं कहा मिट्टी बच्चों को नहीं मिलेगा, तो पेपर पॉल घर में न्यूज़पेपर का पॉल बनाओ, ये करो, इनका पॉल भी रेडी कर दिया। हमारा यहाँ संजीव जी है, तो वो हाँ हमारा वो ये वेस्ट मटेरियल को लेके, पेपर को लेके, वो सारे पेपर पॉल का मशीन बनाते हैं, हैंडमेड चीज बनाते हैं हम लोग, तो वो ओके, सारे मैं लेता था, तो उनको रेडी करता। मैं कहा आप पेपर पॉल बनाओ, और मैं उसको वहां भी बच्चे भी करते थे, तो ऑनलाइन बड़ा मजा आया, और एक न्यू मीडियम को एक्सप्लोर किए, और बच्चे को कभी प्रेशर नहीं आया। ये मेरा एक तानिया है, ये भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट है मेरा, आते रहते हैं। और ये हम लोग उनका लेक्चर देना, कैसे डिजाइन में डेवलपमेंट होना, आर्टिस्ट कैसे रहना, उनकी कंट्री में कैसे होगा, ये मेरा एक शो भी था शायद, ये भी हैबिटेट में है। ये एक गुरु जी है, और ये भी थिएटर से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे साथ मेरा वाइफ भी है, तो हम लोग जब भी मौका मिलता है, दिल्ली में मेरा घर भी है, अभी भी मेरा स्टूडियो भी है, हम जब भी मौका मिलता है हम लोग अपनी शो करते हैं, प्लस जुड़े रहते हैं कि इन लोगों से ना, ताकि हम और भी ऊर्जा हो, हमारा चार्ज हो जाए। बिल्कुल, ये मेरा कॉलिग है सर, मैंने एक टॉक्सिसिटी में 12 कंट्री से इनवाइट किया था आर्टिस्ट को, तो टॉक्सिसिटी कैसे हो रहा है शहर में, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसी बारे में एक अल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिसेस है मेरे साथ। मेरा सहयोगी अजय ने भी काफी कोऑपरेट किया, डॉक्टर अर्जुन ने, और मिस्टर रितेश ने, और पायल ने, बहुत सारे लोग ने मेरे को कोऑपरेट किया। मेरा जो चांसलर है डॉक्टर अशोक के चित्कारा, और प्रो चांसलर डॉक्टर मधु चित्कारा मैम ने, और मोहित सर ने, और डॉक्टर अर्चना मंत्री वाइस चांसलर, ये लोग ने काफी कोऑपरेट किए कि इंटरनेशनली लोगों को लाना, यहाँ समझाना, काम करवाना इंडिया में। वो पंजाब का अलग अलग जगह में जाते थे काम करके, इंस्टॉलेशन करके, वीडियो प्रेजेंटेशन करना, क्योंकि ये एक एडवांस है, फ्यूचर आर्ट है, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस है, एक फ्यूचर है। बिकॉज वो पेंटिंग ट्रेडिशनल जो हम लोग जो ओरिजिनल रूट वाला प्रैक्टिस के, ये जो फोटो है मेरा ऑनरेबल वाइस चांसलर थे डॉक्टर एस सी शर्मा, और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर पद्मोकली बैनर्जी, वो लोग गुरु लोग है, और एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कलीग है। पहले बार मैंने एमईटी में इंस्टीट्यूशन के अंदर आर्ट गैलरी किया, वहाँ जो थे डॉक्टर चौहान और असीम चौहान, अशोक चौहान, वो लोग ने काफी कोऑपरेट किए कि इंस्टीट्यूशन में मैंने जो प्रपोजल दिया आर्ट गैलरी होना चाहिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल इंजीनियर के जैसे लाभ दे रहे हो, टेक्नोलॉजी के लिए लाभ दे रहे हो, तो आर्टिस्ट के लिए गैलरी होना जरूरत है। और वाकई, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना खुशी हुए, और वह मेरे को स्पेस दिए, थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे को, लग गया काफी दिन, लग गया मेहनत हुआ, तबीयत भी खराब हो गया उस बारे में दिन रात, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना, तो मालिक ने बिल्कुल हाँ बोल दिया, बट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, बिकॉज सारे यूनिवर्सिटी में, कॉमन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वो साइंटिस्ट होते हैं या एमबीए लोग होते हैं, आर्ट बिल्कुल को लगता है कि जैसे आपने शुरू होते वो तो लगता है कि अच्छा ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसा है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं समझते उसको कि ये मेन बिल्कुल स्ट्रीम स्टडी है, तो उनको समझाना, जब करके दिखाया तो काफी खुश हुए थे। बिल्कुल, ये वही देखिए समझाना, अजीम चाचा वही चीज जी, समाज के जी लिए भी वही एक ये है कि लोगों को, है ना, ये सब चीजें जो हम टॉक कर रहे हैं ये आम लोगों तक जाए, लोग समझे हर एक आर्टिस्ट की जर्नी, उनके काम के पीछे के थॉट, तभी तो वो लोग थोड़े अवेयर होंगे कि वाकई ये बहुत सारे अच्छे अच्छे जी जगह पे जी लोग। वो चाहे कोई आर्टिस्ट का पद्मश्री पद्मभूषण हो, वो क्यों मिला है, मैं उनको बच्चों को तो बताता रहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को कोशिश करता हूँ उनको भी समझाने के, है ना, तो कोशिश करता हूँ कि बड़ी बड़ी पद्मश्री पद्मभूषण क्यों मिला है बिल्कुल ना, जैसे कि वो कि उनका वैल्यू क्या है, उनका आर्ट का वैल्यू क्या है, आर्ट मार्केट में उनका क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्या कितना में पेंटिंग बेस्ट है, कैसे सरवाइव करता, नहीं तो सोचते यार गरीब बेचारा कलाकार। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मैं बहुत ही उस टाइम थोड़ा नाराज हो जाता हूँ, कोई आर्टिस्ट को बेचारा कह सकता है, मैं कहा आप अपनी माँ को कभी बेचारा कह सकते हो,
आप अपनी भगवान को कभी बिचारा कह सकते हो? तो हाउ डेयर टू से लाइक दी बिचारा कलाकार, मैंने कलाकार कभी बिचारा नहीं हो सकते, ना माँ कभी बिचारा हो सकते, सही बिचारा बात है, नहीं है, बिचारा एक सोच है। आप बिल्कुल अपनी जो जो सृष्टि कर रहा है वो बिचारा कैसे हो सकता वाकई है? टेक्नोलॉजी वो तो वहां वही नेचर से ले रहा है ना, वी आर द सेकंड क्रिएटर, हम कलाकार है तो बिचारा नहीं हो सकते। ये मेरा एक प्यारा सा पेंटिंग है, ये एक म्यूजियम ने उसको परचेस भी किया है, तो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखता हूँ मैं, थोड़ा कंटेम्प्रेरी अब्स्ट्रैक्ट एंड सरियलिस्टिक पर मैं तो ये सारे करता हूँ। ओके ये भी कुछ अब्स्ट्रैक्शन है, बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है मेरा, तो मैं कोशिश करता हूँ सिटी का या कोई फॉर्म में। ये भी एक अच्छा पेंटिंग है मेरा। बेसिकली आपके काम के पीछे के जो एक नरेशन है या सब्जेक्ट मैटर जो आप चूज करते हैं वो कैसे चूज करते हैं? अब मैं सब्जेक्ट बेसिकली सोसाइटी से लेता हूँ, नेचर से लेता हूँ। और ये सब्जेक्ट मैंने कहा कि जिंदगी ना छोटा पड़ जाएगा, इतना सारा सब्जेक्ट है दुनिया को। अब मेरे को चश्मा का जरूरत पड़ गया, मैं दुनिया को और भी थोड़ा डीपली देखना चाहता हूँ। आपका भी चश्मा भी लग गया, आप भी शायद दुनिया को बहुत डीपली देखने की कोशिश की है। बिल्कुल तो वही है सब्जेक्ट, समाज से मैं लेता हूँ, नेचर से लेता हूँ, कोई कोई एनिमल से लेता हूँ, कोई पेड़ पौधा से, फ्लोरा फोना से लेता हूँ, और सिटी से लेता हूँ। तो वो सारे नेचर मेरे को, ये जैसे कि आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, एक ट्रेडिशनल एक वेशभूषा में ऑटो में जा रहे, एक वेस्टर्न गर्ल इंडिया की, वो अपनी सिटी में वॉक कर रही है ना, तो वो और बीच नीचे छोटे छोटे कलरफुल चिड़िया है। तो मैंने ये दोनों को एक एक जगह में कंपोज करने में बड़ा मजा आता है, और उसमें मैं काफी करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगता है। तो इस टाइप का काम भी मेरा सेल भी होता है और डिमांड होता है। और मेरा बिल्कुल पेंटिंग देखेंगे मैक्सिमम फ्रेश कलर है, वो लोग कहते हैं फ्रेश कलर है, फ्रेश कंपोजिशन है। ये भी, ये एक एंजल है, लड़की है, तो कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट नीचे जो देखिए कुछ सूज है वो मैंने मेल को सिंबलाइज किया अंडर दी वाटर, तो वो सारे चीज को मैं ब्यूटीफुली अपनी छोटा सा सिंगल फ्रेम में, जैसे फिल्म मेकर मल्टी फ्रेम ले लेता है, सर, तो मैं आपका क्या करता हूँ टाइम सिंगल फ्रेम में। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन वाह, भी ये लेकर और घर पे काम भी होता है। टाइम मैनेजमेंट, ये जो आपने, मैंने देखा हूँ जो लोगों को साथ, मैंने कुछ कुछ फोटो है मेरा, ये लोग मेरे को कान पकड़ा के ना, कान पकड़ के मेरे को सिखा है कि आपको ये करना है, आपको फाइलिंग करना है, आपको ये प्रपोजल करना है, आपको ये पेंटिंग। तो वो बेसिकली मैं किसका नाम लूँ, शायद नाम कम ही पड़ जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ मॉर्निंग। तो मेरे को लगता है कि मेरे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, और मैं अपने परिवार का पूरा फैमिली मैन हूँ, परिवार के साथ मैं इवनिंग को खाना बनाता हूँ वाइफ के साथ, बच्चों को खेलाने लेके जाना, बच्चा का उनका ताम झाम, स्कूल मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, आई लव टू डू, बट कभी कभी नो नहीं मिलता है तो नहीं कर पाता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मैं ही करता हूँ। तो ज्यादातर मेरे को उनको स्कूल के टीचर सारे मेरे को ही जानते हैं, या उनका, मेरा फ्रेंड, मेरे बच्चों का और अर्णव का, अथर्व का, उनका नाम जगावलिया है, दोनों को जब वो खेलते हैं ना, उनका फ्रेंड लोग सारे मेरे को आके नमस्ते करते हैं, हेलो हेलो, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, प्रॉब्लम भी करते हैं, तो वो सारे चीज आई लव टू डू। आप किसी को ना विश्वास, जैसे कि आप अपने लोगों को, आपने जो एक बीड़ा संभाला है, एक मुहिम संभाला, मैं कहूंगा कि आप भी घर में बैठ के भी रह सकते हैं, अपनी ग्रांड फेलोशिप मिल रहा है, पैसा एक, आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? ये सवाल मैं आपको पूछूं तो शायद वही जवाब आएगा कि ये करने में मेरे को सुकून आता है। आपने जैसे बात बिल्कुल किया था कि बिल्कुल अभी भी हमारा नहीं है, आर्टिस्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वीडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, बुक नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन इतना सारा हम खजाना में, इतने सारे आर्ट है, इतने सारे आर्टिस्ट है, पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है हम किसी को, हम देश को अपनी कला को कहीं प्रेजेंट करना है, अपने बारे में बताना, क्योंकि आज हमें है कल नहीं है, बट बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन उनको कैसे पता चलेगा? तो वही चीज जैसे आपका सोच है वही चीज भी मेरा है, तो उसी से हम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो वाकई जिसको प्यार करता है ना उसे ना टाइम का पता नहीं चलता, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही हम लोग अब काम को ना तो इतना प्यार करते हैं तो हमको पता नहीं चलता, चाहे खाना बनाओ, चाहे ड्राइविंग करो, चाहे ये
गोल्फ खेलूं या अपनी पेंटिंग करूं या ऑर्गेनाइज को। रिसेंटली हम लोग ने कला कुंभ का एक बहुत बड़ा उत्सव, या एनजीएमए से और से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से यहाँ पेंटिंग है, 450 आर्टिस्ट आए थे दिसंबर की महीने में। मिस्टर अद्वित्य गणनायक उनका ये था, उनका इवेंट डायरेक्शन में हम लोग काम करते, 450 आर्टिस्ट या विंटर में चंडीगढ़ में काम करते थे। उसको मैंने मैनेज करने में मेरे को, हाँ, वेट लूज हो गया, मेरे को 7-8 किलो का वजन कम हो गया, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और कोविड भी था उस टाइम, तो हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ, ना सर्दी हुआ, क्योंकि बॉडी इतना हीट रहता था, तो वो बाहर का वो ठंड बर्फ वाला पता ही नहीं बारिश चलता वाला होगा। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। जी, नहीं वाकई, और ये ये मेरा बहुत क्या है, पहला डेडिकेशन, पेंटिंग है। जी, जितना डेडिकेशन आप दिखा के करते हैं ना, वो मेरे ख्याल से वो वही चीज सारा चीज को मैनेज कर देता है। और जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जी ये टॉक की शुरुआत ये तब से हुई जब मैं कोविड में हॉस्पिटलाइज था, और मुझे लगता था कि जी हम तो सिर्फ काम करके ही जा रहे हैं, हमने आर्ट फील्ड को क्या दिया। तो तब से ये डेटा कलेक्शन शुरू किया, और लगभग अभी 350-400 जितने आर्टिस्टों का डेटा मेरे पास है ऐसा, और वाह कई वाह, सारे। ठीक है। लोग ना ऐसे ही याद करते हैं लोगों को, है ना बिल्कुल गोविंद जी, जब आप कहते हैं कि आपका ये शो का एक शूट करेंगे ऑनलाइन में ऑफलाइन में, मैंने कहा कि तब वही है कि मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा इसके पीछे एक ना नोबल कॉज है ना। बिल्कुल तो बहुत सारे जो अपनी सेल्फी करके बहुत सारे अपनी बात भी रख सकते थे, बट आप दूसरे लोगों के लिए जो कर रहे हैं ना, वो पैशन है, वो डेडिकेशन, कहीं ना कहीं कई ये हमारा कई इंडियन सारे आर्ट लोग क्या जो बोलते हैं है। पता है, कई सारे लोग जी बोलते जी हैं कि आप इतना समय देते हो, आपको क्या मिल रहा है इससे। मैं बोला मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है इससे, लेकिन मैं जो इंसान कमा रहा हूं ना, और उनका जो डेटा, सबकी जर्नी एक अलग अलग होती है। क्योंकि मैं इस फील्ड में जब आया था ना, घर छोड़ के भाग के आया था, तो सबकी देखा मैंने, जी सबका जी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो उन लोगों को क्यों ना आज, अगर जैसे कंटेम्प्रेरी में हो, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, जिनसे बात होती है, उनकी भी डिफरेंट जर्नी होती है, और वो आज नहीं तो जी 10 साल बाद लोगों को ये उनके काम के साथ, उनके लाइफ स्टोरी के साथ ये चीजें जब सुनने जानने को मिलेंगी, तो वो उनके बहुत काम आएगा, उनको मोटिवेट करेगा ये सब चीजें। हाँ, वो उनको जब ढूंढेगा, आज मैं कोई रंजन मलिक को ढूंढेगा तो कहाँ जाएगा, गूगल करेगा या यूट्यूब में दे ढूंढेगा, तो वहां जब मिलेगा ना पूरा स्टोरी जर्नी, तो रेडी हो पाएगा, है ना। और ये हर आर्टिस्ट का एक जर्नी, जैसे आप कह रहे हो, हर का ये एक स्टोरी है, कहानी है ना। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया, मेरा बेस्ट विशेस है, और आपको, और आप यू आर डूइंग द बेस्ट वर्क। और इसके सिर्फ इंडिया का नहीं, मैंने भी सुना आपने इंटरनेशनली भी लोगों को भी इसमें जोड़ लिया, बिल्कुल और जो मेरा गांव है ना, मैं कहता था ये वर्ल्ड मेरा गांव है, आई थिंक आपका भी वही मिशन है, ये सारे बिल्कुल लोग है ना, वर्ल्ड के लोग आपका लोग है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमने वो उड़ीसा जी वाला शो किया था ना, वैसे मैंने एक इंटरनेशनल किया था जी जिसमें 25 देशों के करीब 52 आर्टिस्ट थे। तो वाह उन वाह, लोगों से भी ऐसे कनेक्टिविटी बनी ऑनलाइन, इसके थ्रू जितना सक्षम होता है उतना करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है अगर फिजिकल वर्क करना चाहे तो। लेकिन फिजिकल के जगह हम आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें कर रहे हैं। एनीवे, धीरे धीरे होगा। तो जैसे हम अब अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, कि जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट जी हैं, और उससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें हैं उसके लिए आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो कुछ सजेशन आप अपने हमारे दर्शकों को भी जरूर दीजिए जो उनको काम आए। सजेशन तो क्योंकि अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी मैं विद्यार्थी समझ रहा हूँ, तो सजेशन नहीं, लेकिन अपनी बात में रख सकता हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको आपका कॉम्पिटिटर या आपके साथ उठने बैठने वाला, आप जिसके साथ रहेंगे वो इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या डॉक्टर हो सकते हैं, या बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कॉरपोरेटर हो सकते हैं, या ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, या स्पेस साइंटिस्ट हो सकते हैं, रोबोटिक साइंस हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग हो सकते हैं, या किसान हो सकते हैं, या एक क्राफ्टमैन हो सकते हैं। तो वो सारे लोगों को समझने के लिए, उठने बैठने के लिए आपका पढ़ाई बहुत जरूरी है। और सेकेंड थिंग, पढ़ोगी लिखोगी तो जानोगी दुनिया को, और ये पेंटिंग जो कर पा रहा हूँ, और इसमें कॉन्फिडेंस आता है आपको, और शक्ति बिल्कुल मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। आज जो ये मेरा पेंटिंग आप दिखा रहे हैं अभी,
देख पा रहे हैं कि सारे मेरा कॉन्फिडेंस और वो सारे चीज कैसे आता है, वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। पढ़ाई ये नहीं कि मतलब गेनिंग दी सर्टिफिकेट्स या अवार्ड लेना है, अचीवमेंट लेना है। पढ़ाई क्या होता है कि पॉलिसी होता है, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए BFA किया, MFA किया, MPhil किया, PhD किया, पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, तो वो सारे मेरा पॉलिसी हो रहा है। और मैं धीरे धीरे और भी यंग हो रहा हूँ, एक्टिव भी हो रहा हूँ, बिल्कुल तो है ना। तो ये नियर अबाउट मैं 50 साल का उम्र में भी मैं अभी भी वही स्टूडेंट जैसा फील कर पा रहा हूँ, उतना एनर्जेटिक हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई में मैं जुड़ा हूँ और बहुत सारे चीज को समझने की भी कोशिश करता हूँ। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो और इसके साथ पढ़ेंगे लिखेंगे तो सरकारी भी बहुत सारे बेनिफिट देता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बेनिफिट देता है। चाहे आर्ट के क्षेत्र में कह रहा हूँ, बहुत सारे नौकरी है। प्रोफेसर, एज ए प्रोफेशनल टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आर्ट एजुकेटर बन सकते हैं, आर्ट ट्रेनर बन सकते हैं, खुद प्रोफेशनली आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो आर्टिस्ट बनेंगे तो या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल चितकारा यूनिवर्सिटी में आर्ट एजुकेशन है, स्टार्टअप शुरू किए। आप सुनेंगे कि एक इच्छा, बहुत अच्छा परिवार से, संपन्न परिवार से, उनको आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट को मार्केटिंग करना है, बिजनेसमैन व्यापार करना आता है, तो वो पेंटिंग करना जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ वो आप स्टार्टअप करो, तब उसका पढ़ाई नहीं, देखा कि पढ़ाई नहीं इंडिया में, तब हम चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हमने शुरुआत की है आर्ट स्टार्टअप। तो हाँ वो आर्ट गैलरी कैसे करना है, आर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, ऑक्शन हाउस क्या होता है, पेंटिंग को ऑक्शन को कैसे जाता है, कैसे उसका बिडिंग होता है। मेरा बिल्कुल एक स्टूडेंट है विनीत भारद्वाज, दिल्ली में अभी आर्ट गैलरी में, एक नोटेड आर्ट गैलरी में मैनेजर है। तो वो आर्ट मार्केट पे पहले बार उन्होंने मेरे अंडर रिसर्च PhD कंप्लीट किया। तो वो जब मैनेजमेंट वाले के लिए से, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कौन कहा, मैंने हाँ आर्ट मार्केट, मैं कहा कि भैया आर्ट बहुत बड़ा दुनिया है, आर्ट सही ऑक्शन बात है हाउस, आर्ट मार्केट को जो है ना, क्योंकि GDP में हमारा आर्ट का भी हिस्सा है। बिल्कुल अच्छा वो भी आप लोग करते हैं? मैं कहा जी उसको ही हम करते हैं, ये हमारा एक एडवांस वर्जन हो सकता है। ऐसा नहीं है हम पेंटिंग किया ये किया, वो भी आर्ट एक प्रॉपर्टी होता है, आर्ट एक इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो वो बिल्कुल सारे बिल्कुल चीज भी मैं कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और इसमें करियर बहुत सुकून देगा आपको, कभी थकने नहीं देगा। और इसके साथ आप नेम फेम एंड मनी ऑफकोर्स इसमें मिलेगा। तो बिल्कुल आर्ट में पढ़ाई करो और प्रैक्टिस भी करो, और मैंने जाकर जितना आप सिंपलिसिटी रह सकते हैं उतना ही ज्यादा आप इनहेल कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये भी एक मेरा सुंदर का पेंडिंग है, ये सोल्ड है। तो ये सारे ओलंपिक टाइम में मैंने उसको करने की कोशिश किया था। जी, ये एक मजेदार है, ये हमने नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में किए थे, मिनिस्टर वाटर जो है ना उनके साथ काम किए थे। तो ये क्या था, राम तेरी गंगा तेरी पानी मेल हो गई, ये मेरा टॉपिक था कि आप देखिए जो गंगा का पानी है उसमें एक म्यूजियम में पहली बार किसी ने आर्टिस्ट का भी शो किया था। हमारा ग्रुप मिस्टर अभिजीत उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे इंडिया से, तो इंटरनेशनल हमारे स्पॉन्सर थे। तो वो हम लोग पानी के थे, बाबा बैठे गंगा के घाट में, वो गंगा पानी सबको पिला रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए जो पीछे पानी रखे हैं बिस्लेरी से, घर ब्लेस से शुद्ध पानी लेके आए। तो वो ओके जो मजे में छोटे बारीक से मैंने देखने कोशिश करता हूँ दुनिया को, ये करता हूँ, तो वो सारे चीज मैंने अपनी पेंटिंग में दर्शाता हूँ। ओके अच्छा ये तो वही काम है। जी, ये भी एक ब्यूटीफुल एक लेडी है, तो इंस्पायर हो के गुलाब का, हम कहते हैं दिल गुलाब गुलाब हो गया, बट समटाइम्स गुलाब कलर रेड नहीं होता, तो कभी ब्लू हो जाता है, पिंक हो जाता है, वो सारे मूड होता है प्यार का ये का। तो एक बटरफ्लाई हो के मेल भी उसको ये करने आ रहे हैं, तो वही एक प्रोसेस को मैं कोशिश करता हूँ। इसमें शमशाद हुसैन आए थे, बड़ा तारीफ किए थे ये पेंटिंग। ये रिसेंटली ओके मेरा ये सारे ड्राइंग है, ये हाँ ड्राइंग है मेरा ये चंडीगढ़ काफी लर्निंग सारे लैब में। सीरीज में आपने किए हैं ना। जी, ये मेरा कुछ ड्राइंग सीरीज है। ये जो चंडीगढ़ ललित कला का जो चेयरमैन है मिस्टर भीम मल्होत्रा जी है, और मदन लाल जी, दीवान माना जी पंजाब ललित कला के चेयर, वो काफी इंस्पायर किए। रंजन ड्राइंग बढ़िया होता है तुम्हारा, तुम ड्राइंग क्यों नहीं करते हो? तो मैंने काफी ड्राइंग जो किया था वो सारे, मेरा 1600 डेप्यूट हुआ था, तो ये सारे ड्राइंग का कुछ इमेजेस है। हाँ ये सब कैनवासेस हैं पेपर हैं।
और सारे नहीं 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 कैनवास मैं कोई भी मीडियम में कर लूँ, मीडियम और साइज मेरे को कोई डज नॉट मैटर, मैं कहीं भी दीवार पे भी कर लूंगा, स्काई सीलिंग में कर लूंगा, जमीन में कर लूंगा, है ना, ये एक्रेलिक ऑन कैनवास ड्राइंग। और समटाइम्स मैंने प्रिंट मेकिंग का ना वो रोलर इस्तेमाल कर लेता हूँ हाँ जो मेरे पास अवेलेबल होता है मेरे स्टूडियो में, और उसको मैं इस्तेमाल करके वो फॉर्म को लाने के, मेरे को ना एक ये म्यूजिक अपने आप बजता रहता है तो मैं वो रिदिम चला के देने एंजॉय करता हूँ जब ड्राइंग। काम करते हैं तो ब्रेन में एक चलता रहता है रिदम वो। हाँ रिदम चलता है बड़ा, मैं उसको तो एक गाना के हिसाब से लेता हूँ, तो अपने आप मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ लेकिन दिमाग पे वो गाना बजता रहता है ना, तब मैं कर पाता हूँ, तब वो फ्लो आ पाता है, तो उसमें आप जब मैक्सिमम देखेंगे वो आप हमारा इसमें फ्लो है, सो ये सारे बिल्कुल, चीजें कोशिश करता हूँ। इसमें जो हमारा एक सवाल होता है सर कि जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं व आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में अभी अभी पास आउट होकर आए हैं या मिड कैरियर आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोविंद जी, इसमें मैं अपकमिंग आर्टिस्ट या जो प्रैक्टिशनर है तो उनको ये मैं कहूँगा कि आप आर्ट है एक रूट है, और समाज के लिए, कैरियर के लिए, ये जो इकोनॉमी सारे का एक फाउंडेशन है, जैसे कि माँ परिवार का रूट होता है माँ, समाज और जो भी देख रहे विकसित देश का रूट होता है आर्ट, कला संस्कृति साहित्य उनका एक रूट होता है, तो ये रूट के साथ जुड़े रहिए, और इसको करियर का मौका मिले तो जरूर उस पे करियर करिए। चाहे आप मैनेजमेंट, लोगों को ये कहूंगा कि आर्ट बहुत बड़ा एक मार्केट है, आप आर्ट मैनेजमेंट करिए। डॉक्टर लोगों को ये कहूंगा कि आर्ट एक बहुत बड़ा थेरापी है, आप इसमें प्रैक्टिस करिए। मैं इसमें जो एंटरप्रेनर है उनको कहूंगा आर्ट का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें करिए। एजुकेशनिस्ट को ये कहूंगा कि आर्ट एक बहुत बड़ा पढ़ाई है, और ये पढ़ाई दृश्य का भाषा होता है, विजुअल लैंग्वेज होता है, तो इसको भी करिए। रिसर्चर को ये कहूंगा आर्ट में अभी बहुत काम करना बाकी है दोस्तों, बिल्कुल ये आप इसमें रिसर्च करिए। तो ये मिनिस्टर को भी यही कहूंगा कि आर्ट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके आप सीरियसली सोचिए, सीरियसली काम करेंगे तो आर्ट हमको जो हमारा डीएनए, इंडिया का डीएनए, कला साहित्य संस्कृति और परंपरा को लेके, और ये डीएनडी आप चाइना जाइए, जापान जाइए, न्यूयॉर्क जाइए या कोई भी जाइए, वो अपना परंपरा को नहीं भूलते। वेस्टर्न सीखना बहुत जरूरी है, वेस्टर्न करियर करना बहुत जरूरी है, ग्लोबलाइज होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी रूट के साथ करिए, और ये चीज आपको नेम देगा, फेम देगा, एंड फाइनेंशियली आपको ग्रो करेगा। सपोर्ट तो करेगा। नाम ठीक और पैसा और ग्रो के लिए ये बहुत बढ़िया एक आर्ट करियर है, और इसमें आप रिसर्च में भी सक्सेसफुल ले सकते हैं, और राइटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, यूट्यूब और भी मतलब आर्ट पे भी बहुत लोग आप जैसे काम करते, और भी लोगों को आउन करता, आर्ट बहुत बड़ा आर्ट का है। हाँ, करते वक्त ध्यान रखिए कि सही सटीक जानकारी दे, सटीक तथ्य में उसमें उपस्थापना करे, और सीरियसली उसको स्टडी करे। जर्नलिज्म, आर्ट जर्नलिज्म बहुत बड़ा एक फील्ड है ना, आर्ट बिल्कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़ा एक मार्केट है, तो ये सारे चीज एक होगा कि आप इसमें आइए और बहुत आप एक्सप्लोर करिए आर्ट एंड कल्चर में। जी सर, और अंत में हम चाहेंगे सर आप 2 मिनट इस चैनल के लिए जरूर बोलें। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पवन जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। उस दिन भी जब आप उड़ीसा चैप्टर कर रहे थे हर राज्य को लेके, मैं हैरान था, नॉन उड़िया होके आप उड़िया के बारे में सोच रहे, दूसरे राज्य के बारे में सोच रहे, शायद कोई आपका ब्लेसिंग से, पेरेंट्स का हो, गुरु का हो, और भगवान का आप जिसको मानते हैं, शायद ब्लेसिंग से ये आपको सामर्थ्य दे और भी काम करने के लिए। आपने परिधि को मैंने जब देख रहा था बढ़ा रहे थे, तो मैं सारे श्रोता को कहूंगा कि आप गोविंद विश्वास का चैनल को आप देखिए कि एक व्यक्ति दिन रात इस बारे में काम कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन के साथ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, कला साहित्य संस्कृति बारे में, आर्टिस्ट को जो आपके सामने उपस्थापना करना, आर्टिस्ट को बारे में बताना, उनके जर्नी को महसूस करना, और उनको प्यार से, उनको रेस्पेक्ट से, वो कैसे ही उसको उपस्थापना एडिटिंग करके आपके सामने देते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक बिल्कुल यू।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर दूसरों तक शेयर करें, और जो भी आपके मन में है आप कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।